सभी कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी चीज जिससे आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेहतर होती है और उससे ही आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। वो हर तरह हर किसी के घर में अवेलेबल होती है और वो है आप सबके घर में आसानी से मिलने वाला, हर जगह आपको आसानी से मिल जाता है, 12 महीने मिलता है, वो है छोटा सा नींबू। जी हाँ, नींबू से अगर आपके घर में किसी के बार बार गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन रहता है, काम में मन नहीं लगता या कारोबार काम के लिए वह कुछ स्ट्रगल नहीं करता, घर पर सिर्फ मायूस पड़े रहते हैं, अपने काम की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान नहीं देता, कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बीमार रहता है, काफ़ी बीमार रहता है, इलाज करने के बाद भी उसको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, कोई ऐसा बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता या बार बार उसको नज़र लग जाती है किसी की, या फिर आपके घर में नेगेटिविटी है, कलह क्लेश आता है, घर में बरकत नहीं है या अनचाही ऐसी कई तमाम तरह की परेशानी है जिसे आप हमेशा परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो एक छोटा सा नींबू है जिससे आप हर तरह की परेशानी हर तरह की नेगेटिविटी से दूर करके अपने घर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, आपके घर का वातावरण सुखमय कर सकते हैं और हर तमाम तरह की गंदी नज़र हो, किसी का आपको लग रहा है कि कोई ऐसे हमारे घर में अदृश्य शक्ति है या कुछ ऐसा करा कराया है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो उससे भी आप निजात पा सकते हैं। तो करना क्या है आपको, आपको मंगलवार या शनिवार, जी हाँ मंगलवार या शनिवार, जो व्यक्ति बीमार रहता है या जिसका मन जो सा व्यक्ति जिसका काम में मन नहीं लगता या काम के लिए वो काफ़ी स्ट्रगल नहीं कर सकता या थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद वो कहता है निराश हो जाता है, आगे बढ़ने के सोर्स नहीं मिल रहे या घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसको नज़र लग जाती है, तो उसके ऊपर आपको मंगलवार या शनिवार के दिन एक नींबू लेकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आपको उस उतार लेना है, फिर उसको ले जाकर किसी चौराहे पर 4 टुकड़े करके उसको चारों दिशाओं में फेंक कर आ जाना है, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना, घर आकर हाथ पैर मुंह धोकर आपको अपने कार्य अपने कार्यों में लग जाना है, जो आपके डेली रूटीन के कार्य हैं ये कार्य आपको संध्या वक्त करना है, मंगलवार या शनिवार संध्या वक्त ये कार्य आपको करना है। दूसरा, अगर आपके घर में अदृश्य शक्ति आपको लगता है या किसी की नज़र लगी हुई है, घर में बरकत नहीं है, माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं है, काम बहुत चलता चलता बंद हो गया है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो आपको क्या करना है, एक कांच की बोल लेकर कटोरी ले सकते हैं कांच की, उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा और एक नींबू का टुकड़ा, जी हाँ ये कार्य आपको इतवार की रात को या से ये कार्य आपको इतवार की रात को अपने घर के बीचों बीच में रखना है, एक फिटकरी का टुकड़ा और एक नींबू कांच की कटोरी में रखना है, और फिर अगले दिन सुबह सुबह आपको सूर्य उदय से होने से पहले पहले ये आपको ले जाकर किसी चौराहे पर रख देना है, बस इतना सा ये कार्य है, और ये आपको लगातार 5 इतवार करना है, और जो मैंने आपको नज़र उतारने के लिए या घर में किसी बच्चे को नज़र लगी है या कारोबार में मन नहीं लगता या किसी तरह की बीमारी रहती है, तो वो जो मंगलवार और शनिवार को मैंने आपको उपाय बताया वह भी आपको 5 दिन लगातार करना है, 5 मंगलवार करना है या फिर 5 शनिवार, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियाँ दूर होती हैं, आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की नेगेटिविटी है वह भी दूर होती है, और अगर हाँ अगर आपकी आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, लाख उपाय करने के बावजूद भी वह इंसान ठीक नहीं हो रहा या उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है, अपने नहाने के पानी में एक नींबू निचोड़कर, जी हाँ नहाने के पानी में आपको नींबू, अगर ये कार्य आप रोज रूटीन कर सकते हैं, एक नींबू लेकर नहाने वाली पानी में आपको निचोड़ लेना है, उस पानी से आपको नहाना है, अगर घर के सब सदस्य नहाते हैं तो बहुत ही उत्तम है, हर सदस्य की नज़र उतरती है, नेगेटिविटी उतरती है और हर तरह से वे अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को छूते हैं। दूसरा, अगर आप हर तरह से इलाज करके हार चुके हैं, दवाई खा रहे हैं या कोई गंभीर बीमारी आपको है पर रिपोर्ट बिल्कुल सही आती है, रिपोर्ट में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं आती, रिपोर्ट डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल सही है पर फिर भी बीमारी का पता नहीं लग पा रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, नहाते वक्त अपने पूरे शरीर से एक नींबू लेकर अपने पूरे शरीर से आपको छुआना है और अपने दाहिने पैर से उसको जोर से
मारना है, उस नींबू के ऊपर जोर से अपने दाहिने पैर से मारना है, फिर उसे अपने फ्लश में वॉश कर देना है, फ्लश वॉश करके उसको अपने बहा देना है या किसी गंदे नाले में आपको बहा देना है। बस ये इतना कार्य आपको 2 से 3 महीने तक करना है, जिससे आपका शरीर भी ठीक होगा, आपकी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी और इससे आपके घर का वातावरण सुखमय होगा और इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वह दूर होगी। तो कर लीजिए ये उपाय और पा लीजिए अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों से निजात। अपनी इस तरह से ही वीडियो के लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आप मेरे को आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये जानकारी आप औरों तक भी पहुँचाएँ ताकि औरों की ज़िंदगी की भी हर तमाम तरह की परेशानियाँ दूर हों और भगवान की कृपा से आपको भी उनका आशीर्वाद मिले। तो इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनोखा कुछ अचूक उपाय लेकर आपके लिए जल्द हाजिर होंगी। इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ, राधे राधे।